अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा बुखारी। प्रोग्राम रोज़ स्पेशल में आज आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बात करूँगी औरतों के हवाले से, और मार्च शुरू होते ही औरतों के हकूक़ की जंग छिड़ जाती है, हर तरफ रैलियाँ निकाली जाती हैं, सेमिनार मुनक़द किए जाते हैं। इसी हवाले से हम औरतों से बात करेंगे, क्या जो ये रैलियाँ और सेमिनार मुनक़द किए जाते हैं इस पर इन पर कोई असर पड़ता है इनकी ज़िंदगी पर? और हम हर तरह की जो औरत है उससे बात करेंगे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमेन हो, प्रोफेशनल हो, हम हर तरह की औरत से बात करवाएंगे आपकी कि क्या औरत का जो हकूक़ हासिल होने चाहिए एक इस्लामी माशरे में, खसूसन पाकिस्तानी माशरे में, क्या उसे वो हकूक़ हासिल हैं। इसी चलते हैं लोगों से और उनसे राय लेते हैं कि औरत के जो हकूक़ हैं क्या उसे मिल रहे हैं कि नहीं। UN ने ये डिक्लेयर किया था 1975 को कि ये औरतों का इंटरनेशनल डे है, तो पाकिस्तान में भी हम लोग मना रहे हैं। देखा गया, लेकिन इन चार सालों में ज़्यादा एक्टिव दिखाया गया है पाकिस्तान। जी, वो इस तरह से है कि इससे पहले तो ज़ाहिर है या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्टिविटीज़ हो जाती थी या NGOs करती थी, लेकिन पिछले चार साल से जो फेमिनिस्ट औरतें हैं पाकिस्तान की वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, और ये नॉन फंडेड एक्टिविटी होती है। सब लोग अपने वॉलंटियरली अपने पैसों से अपनी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वॉलंटरी बेसिस के ऊपर ये ऑर्गेनाइज होता है, और इसमें ज़्यादा जो हैं जो फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं, और क्योंकि वो जो पीदरशाही निज़ाम है उसको चैलेंज करती हैं, जो इस वक्त पीदरशाही निज़ाम की वजह से जो ख़वातीन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो औरतों के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं उनको उठाती हैं, जो घरों के अंदर मारपीट होती है उन इशूज़ को उठाती हैं, जो रियासत जो है वो औरतों को तहफ़ देने में नाकाम होती है वो इशूज़ उठाती हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा अब जो है एक थ्रेट बनता जा रहा है लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे जो राइट विंग हैं, जो पीदरशाही सोच रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि शायद ये स्टेटस को कुछ चैलेंज कर रहे हैं। आपको अपना हक, अपने राइट्स का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी गलत का साथ मत दें। अगर आप जुल्म बर्दाश्त करेंगी तो आप भी जुल्म में बराबर की शरीक होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बोलें, चाहे आप अपने घर के सतह पर बोलें, चाहे आप छोटी जगह से ही बोलें, लेकिन आप बोलें अपने हकूक़ के लिए, क्योंकि जब आप सप्रेस हो जाएंगी तो आई थिंक वहाँ पर हमारी होप जो है वो ख़त्म हो जाती है उनके साथ। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप बोलें, ज़रूर बोलें अपने हक़ के लिए। एक तरफ तो आप कह रही है कि ज़रूर बोलें हक में, और पाकिस्तान में देखा गया है चार सालों से, एक तरफ जो है मजहबी ख़वातीन जिन्हें रिलीजियस कहा जाता है, और एक तरफ लिबरल, वो दोनों, और इन दोनों में क्लैश चल रहा है। तो आप क्या कहेंगी, एक औरत होने के नाते क्या हम सिर्फ एक औरत के हकूक़ के लिए नहीं लड़ सकते, हम ये रिलीजन और लिबरल इस चीज़ को छोड़ के और हम सिर्फ औरत के लिए बाहर निकलें? देखिए, जब नाइंसाफ़ी की बात आती है तो हम लोगों के घरों में, घरों से चीज़ शुरू होती है। ये सिर्फ सबसे ये नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, घरों में भी ख़वातीन का हक मार दिया जाता है। सिंध में आपने देखा होगा कि छोटी बच्चियों की कम से उम्र में शादी कर दी जाती है, और वो उन्हें पता भी नहीं होता शादी के बारे में कि उनके साथ क्या होगा। तो ये उन लोगों के बारे में है, क्योंकि फिर वो प्रेगनेंसी नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेल नरिश्ड होती हैं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मोरलिटी रेट हमारा बहुत हाई है। मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, लेकिन मैं काफ़ी साल जैसे हाउस वाइफ की तरह मैंने लाइफ गुजारी, लेकिन मैंने अभी फिर नए अंदाज से अपनी लाइफ स्टार्ट की है। और मैं चाहती हूँ कि जिस ये सब जो हो रहा है इसलिए कि ताकि जो हमने सफ़र किया ना, वो हमारी जो आने वाली जो नस्ल है वो ना करे, और मैं चाहती हूँ जो मैंने सफ़र किया वो मेरी बेटी ना करे। इसीलिए हमारी स्ट्रगल अभी भी जारी है, हम कामयाब नहीं हैं, लेकिन हम कामयाब होना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ मैं भी कामयाब हूँ, मेरे साथ मेरी आने वाली जो बच्चे हैं वो भी कामयाब हों। जो घर में बैठी औरत है उसे क्या पैगाम दें? देखिए, घर में बैठी हुई औरत हो या बाहर वर्किंग वूमेन हो, औरत मसाइल सबके साथ हैं। हम भी वर्किंग वूमेन के लिए ये सोचा जाता है कि वो बहुत आज़ाद हैं, वो बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इतना ही सफ़र करती हैं जितना घर में बैठी हुई औरत के साथ हो रहा है। लेकिन ये है कि जो बाहर निकल रही हैं वो उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं,
वो ये ना सोचें कि ये जो बाहर निकल रही हैं वो औरतें वो आज़ाद हैं अपने लिए कर, हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आपके लिए उठा रहे हैं, आपको भी दो कदम आगे बढ़ के हमारे साथ आना चाहिए और हमारे साथ इस स्ट्रगल में अपना हाथ बटाना चाहिए। मैं औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि औरतें जो हैं वो किसी भी लिहाज से कमज़ोर नहीं हैं और वो आगे निकल कर अपना लोहा मनवा सकती हैं। वो जैसे आप देख रही हैं कि औरत किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, तो जिस भी फील्ड में औरत आना चाहे तो वो आ सकती है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कोई वर्किंग वुमेन हो, या मुख्तलिफ जितने भी शोबे हैं उसमें आप देखें कि औरत कहीं भी पीछे नहीं रही है। लेकिन ये हमारा जो मुआशरा है उसमें औरत को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो अगर आगे आने की कोशिश करती है तो उसको पीछे धकेले जाता है, या उनको जो वेजेस हैं वो सही से नहीं मिलती, जिस तरह औरतें जो हैं मर्दों के मुकाबले में आप देखें कि ज़्यादा काम करती हैं उनको वो उजरत नहीं मिलती। तो या औरतें जो हैं उनको अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए ताकि वो अपने हुकूक हासिल कर सकें। मैम आपने ये सारी बातें कर दी, आप हम बताएं कि मर्दों का क्या रोल है इसमें, कि औरत तो निकल रही है अपनी आज़ादी के लिए लेकिन जो मर्द हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्या कहेंगी ऐसे मर्दों की सोच के लिए? देखें ये हमारे समाज की सोच है जो कई सालों से सदियों से हमें सिखाया जा रहा है कि औरत को घर के अंदर ही रहना है। जिस तरह आप देखते हैं कि लड़की जब पैदा होती है तो उसके लिए उसी तरह के कपड़े और खिलौने लाए जाते हैं कि वो घर के अंदर रहे, घर के अंदर ही खेलें, बाहर ना निकलें, और लड़कों के लिए तो हमारी जो तरबियत जिस तरह से होती है जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि औरत को चार दीवारी के अंदर रह के घर के काम करने हैं और मर्दों को बाहर निकल के वो काम करने हैं। तो इस सोच को जो है हमने बदलना है, क्योंकि औरत अगर 51% औरतें और वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रहेंगी तो जो आप हालात अभी देख रही हैं पूरी दुनिया के और खुसूसन पाकिस्तान के, तो एक आधी आबादी को आप अगर घर के अंदर बिठा देते हैं तो जाहिर है वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि औरतें भी जो हैं वो आगे आएं, इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें, और ज़ाहिर है जिन मर्दों को औरतों ने सदियों से घर पर बिठा कर उनकी खिदमत की है, उनके लिए खाना बनाया है, उनके लिए सारा सब कुछ किया है, तो अब वो मर्द देखते हैं कि ये औरत अगर बाहर निकल गई तो हमारा क्या होगा और वह हम क्या करेंगे, इसलिए वो उनका इस तरह से वो बैकलैश है कि ये औरतें उनको दबाया जाता है कि वो घर के अंदर ही रहें, घर के काम ही करें वो और उनकी खिदमत करती रहें, वो घर से बाहर ना निकले। इस्लाम में औरत की बहुत ज़्यादा इज्जत है, इस्लाम औरत का नाम ही पर्दा है, तो इसका मतलब जब औरत पैदा होती है तो उसे बाप का साया दिया जाता है, इससे बढ़कर और उसे क्या चाहिए। जब वो बड़ी होती है तो भाई के लिए अज़मत बन जाती है, जब वो किसी के साथ उसकी शादी होती है तो वो खामिद का उसे लिबास बना दिया जाता है, जब वो बूढ़ी होती है तो उसे के पाँव में जन्नत रख दी जाती है, तो बेटा उसकी जन्नत जिसके पाँव में है उसके इससे ज़्यादा और इज्जत क्या होनी चाहिए। सूरत निसा पूरी सूरत है जो अल्लाह ताला ने औरत की इज्जत के लिए बनाई है, और इससे बढ़कर औरत के लिए और क्या चाहिए। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत और अजमत से नवाजा है, और इससे बढ़कर मेरे हिसाब से औरत के लिए और कुछ नहीं हो सकता। ज़माना जहालत में देखें माँ से शादी कर ली जाती थी, औरत को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, इसलिए कि सिर्फ के गैरत के नाम पर कि किसी की वो किसी के घर जाएगी, किसी की इज्जत बनेगी। लेकिन इसके लिए फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने औरत को क्या मुकाम दिया, वो अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ खेला करते थे, इससे बढ़कर और क्या है। अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दिया करते थे, इससे बढ़कर और क्या है। इसलिए हमें इससे यही सबक मिलता है कि औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, और जितना हो सके इस आलमी दिन पर औरत के जो हकूक़ हैं इस्लामी लिहाज से उनको डिस्क्राइब करना चाहिए। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा हमें बताया, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो हमें इतनी ज़्यादा मिसालें दी पाकिस्तानी मुआशरे में, पाकिस्तान में रहते हुए आपको लगा कि ऐसा होता है, औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? ऐसा सलूक किया जाता है, लेकिन इसकी कमी ये है कि इसलिए कि हम अगर पढ़ते हैं ना, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ 10 साल पढ़ता हूँ, 12 साल पढ़ता हूँ, अगर उस यूनिवर्सिटी में मैं 4 साल का कोर्स है, मैं अब डॉक्टर ऑप्टोमेट्री कर लूँ, अगर 5 साल मुझे 5 साल में एक दिन भी नहीं बताया जा क्या कि तुमने अपनी माँ के साथ कैसे बिहेव करना है, तुमने अपनी बहन के साथ कैसे बिहेव करना है, तुम आगे जा कर तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी बीवी के साथ कैसे बिहेव करना है, तो कैसे होगा। इसके लिए यही चाहिए कि कुरान में जैसे सूरत निसा है ऐसे सूरत नूर है, ऐसी इनकी तफासीर वगैरह सब कुछ कोड करनी चाहिए, इस्लामिक व्यूज़ होने चाहिए हमारी बुक्स में, जैसे इस्लामियात हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है उसमें
तरतीब के हवाले के साथ साथ ये भी बताना चाहिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे गुजारेंगे। अगर हमारे अंदर इस्लामी तालीमात होंगी तो हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ ऐसे हैं बैकवर्ड एरियाज़, काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पर औरत को अभी तक मतलब बहुत कमतर समझा जाता है, तो उन बैकवर्ड एरियाज़ पर रिसर्च करके और उन्हें फिर अच्छे तरीके से मतलब उन्हें बताया जाए कि हाँ भाई औरत के ये हकूक़ हैं, इन्हें ये हकूक़ देने चाहिए। इनजस्टिस है औरतों के साथ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जाता है, उनको कोई तहफ्फुज़ नहीं है। वो घरों से बाहर निकले तो किसी तरह का कोई तहफ्फुज़ उनको मयस्सर नहीं है। और हमने बहुत सारे इन दिनों में वाक़यात देखे हैं, ना सिर्फ हरेसमेंट के बल्कि किलिंग के, मर्डर के, रेप्स के। और इस दिन हम इन्हीं इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमें तहफ्फुज़ दिया जाए और औरतों को एक माशरती मसावी हक जो है वो दिया जाए। मैम आप मुझे ये बता दें, इमरान खान साहब की स्पीच को एक साल गुजर चुके हैं, पिछले जो था हवातीन का आलमी दिन था तो इमरान खान साहब ने स्पीच की थी कि हमें जो औरतों को पाकिस्तान में हकूक नहीं मिलते, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में कुछ और तालीम दी जाती है और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें अलग से तालीम दी जाती है, इस वजह से औरत को वो हकूक, वो इज़्ज़त नहीं मिल पाई जो कि पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी। तो एक साल उस तकरीर को हो चुके हैं, क्या इमरान खान ने एक साल में उस तकरीर के हवाले से कोई कानून पास करवाया, ऐसा कोई सिलेबस जिसमें हवातीन के हकूक़ के हवाले से कोई बात हो? देखिए, इमरान खान साहब ने शायद बहुत सारी बातें की होंगी, उसमें शायद एक ये भी होगा कि तालीमी निज़ाम बग़ैर किसी तफरीक के होना चाहिए, यानी कि कोई भी निज़ाम तालीम हो, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे सरकारी स्कूल हों, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे उसके मेयार भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बुनियादी हकूक जो हैं वो हर बच्चे बच्ची को मिले और बच्चियों को ख़ास तौर पर, और जब हकूक नहीं मिलते या उनका शऊर नहीं होता तो हकूक अक्सर पामाल भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक साल बहुत वक्त होता है हकूक को दिलवाने का। हम देखें 65 साल की उम्र में और 73 साल पाकिस्तान को हो गए, अभी तक जिद्दोजहद हमारे हकूक की चल रही है और बच्चियों के और औरतों के हकूक अभी भी पामाल हैं, अभी भी उसमें गैप है। आप बच्चों की शादियों की उम्रें ही देख लें, इलावा सिंध के हर जगह 16 साल है बल्कि सिंध में सिर्फ 18 साल है, जबकि बच्चियां और बच्चे दोनों जो हैं वो बालिग होते हैं। तो ये तफरीक जो है कवानीन में या निज़ाम में या घरों में, ये सिर्फ स्कूलों से नहीं होता, ये घरों में होता है। जब घरों में तफरीक होगी तो स्कूल तो फिर दूसरे मरहले पे आते हैं, तो ये तफरीक जो है ये घरों से, हमारे समाज से ख़त्म होनी चाहिए। आज जब हम आके यहाँ खड़े हो रहे हैं तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो हैं वो यहाँ पे, आप तो इतनी, आप देखो देखिए आपको आज़ादी इतनी और अजीज़ और आज़ादी क्यों चाहिए? अरे हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारे, हम तो करोड़ों औरतों के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आज़ादी एक साल के अंदर नहीं मिलती, तफरीक एक साल में ख़त्म नहीं होती। और यकीनन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं मगर बहुत सारी चीज़ों में अभी हम बहुत पीछे हैं, खसूसी तौर पे और लड़कियों और औरतों के हकूक़ के हवाले से। आप रोज़ हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप रोज़ देखते हैं कि कितनी हकूक़ की पामाली होती है, हर सतह पर होती है, और इतनी इतनी खौफनाक चीज़ें होती हैं कि जिसको दोहराना भी जो है वो एक हम कांप उठते हैं। तो ये हमारा सिलसिला जो है ये सिर्फ आज के दिन नहीं होता, ये हर रोज़ हमारा, कहाँ कहीं भी मौका मिले प्रोटेस्ट का हम खड़े हो जाते हैं। ये आज के दिन का नारा नहीं है, ये हर रोज़ का नारा है, हर लम्हे का नारा है, जब तक औरतों को और बच्चियों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे। मैम देखिए, एक तरफ तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में औरतों के दो धड़े हैं, दो धड़ों में वो तकसीम हो चुकी हैं, एक जो लिबरल हैं और एक जो हैं जो रिलीजियस हैं, तो अलग अलग हैं, क्या औरत होने के नाते हमें एक कंबाइन होकर नहीं एहतजाज करना चाहिए या अपने हकूक की हाजिरी के लिए? मैं समझती हूँ ये भी सवाल जो है ये बहुत मुहमिल सवाल है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि दो धड़े, एक लिबरल है और रिलीजियस, इसका कोई बाइनरी या एक मुतजाद नहीं है। मसलन मैं मजहबी भी हूँ और मैं लिबरल भी हूँ, मैं समझती हूँ कि औरतों की आज़ादी के लिए नारे बुलंद करना लिबरल होना नहीं है, मतलब वो आप हक बजा हैं, वो चीज़ जिससे आप जबिल्लतों से जिनसे पैदा हुए हैं, अल्लाह मियाँ ने आपको ये तमाम जबिल्लतें हर इंसान के लिए दी। अल्लाह मियाँ ने जब कहा कि मैं अशरफुल मखलूक हूँ तो उन्होंने फ़र्क तो नहीं किया कि मैं औरतों के लिए अशरफुल मखलूक
लोगों को या और आदमियों के लिए हों, वो सबके लिए है। तो जो हकूक अल्लाह है, मैं पहले भी यही कह रही थी, उसमें कोई तफरीक नहीं है। चाहे इंसानों ने चीज़ें जो बनाई हैं उसमें तफरीक बना दी, अल्लाह मियाँ ने सबको उतने ही हकूक दिए हैं, तालीम के, इजहार के, खुश होने के, ठीक है ना, जितने अपनी जो भी हकूक हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। इंसान जो है वो तफरीक करता है और हम उसी के ख़िलाफ़ हैं। क्या बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, लोगों ने बहुत सफ़र किया है, हम भी आज जो खड़े हुए हैं ये अगर 65-60 के ही स्ट्रगल की वजह से खड़े हैं। कहा है कि इस मार्च में जो है मर्द शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे औरतों के आलमी दिन क्या। देखें, औरतों का आलमी दिन वैसे तो साल का हर दिन औरतों का दिन होना चाहिए, उनकी मेहनत का दिन होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो उनके मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए कि उन्हें अच्छी सेहत मिले, अच्छी तालीम मिले और सबसे बढ़ के तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसके लिए यकजहती के इजहार के लिए मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी माशरे में ऐसे मर्द हजरात भी मौजूद हैं जो अपनी बेटियों माओं को वो हकूक नहीं देते जो उन्हें देने चाहिए थे, और इसकी वजह एक बड़ी वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है कि उसमें बताया नहीं जाता कि बेटी के क्या हकूक हैं, माँ के क्या हकूक हैं, एक बहन के क्या हकूक हैं। बताना भी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम अगर इसके लिए मुसलसल आगही की ज़रूरत है, शायद यही वजह है कि ये मार्च करना पड़ता है, वरना अगर मुआशरे में तहजीब हो, मुहज़्ज़ब पन हो तो शायद ऐसी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हों, लाजमी हों, तहजीब का हिस्सा हों। तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक साल पहले कहा था कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, इस वजह से जो हमारी औरत है उसे वो हकूक हासिल नहीं है जो उसे हासिल होने चाहिए थे। एक तरफ तो गवर्नमेंट लेवल के स्कूल हैं और एक प्राइवेट लेवल के, जो अपर लेवल के स्कूल्स हैं उनमें औरत को हकूक हासिल हैं, लेकिन जो लो लेवल स्कूल्स हैं उनमें औरत को हकूक हासिल नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या स्कूलिंग सिस्टम में एक साल तक इमरान खान ने कोई तरमीम वगैरह की, ऐसा कोई करनी चाहिए? और देखें, बात यह है कि निसाब में, किताब में खवातीन का क्या इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर आज तो अलमिया ये है कि हमारी कितनी बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, हमारी जो अदाद शुमार आते हैं उसमें बेतहाशा बच्चियां, और आज भी जो बच्चियां पैदा होंगी हम ज़मानत नहीं दे सकते कि वो स्कूल जाएं। रियासत को, हकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक तालीम याफ्ता मुआशरा अपने हकूक की निगहबानी बेहतर कर सकता। औरतों के आलमी दिन के हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ कि वो क्या कहेंगी कि औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी अपने हकूक के लिए। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया की ख़वातीन को सलाम करती हूँ, जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सबको सलाम करती हूँ, और अपना जहाँ जहाँ भी वो करदार अदा कर रही हैं तो उनको सलाम मेरी तरफ़ से। मैं यही कहना चाहूँगी, अर्थ डे का आलमी दिन है तो औरत वैसे तो अपनी घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने औरत के पर्दे के लिए हुक्म दिया है, कुरान पाक में भी है कि औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है। और बाकी औरतों को हकूक मिलने चाहिए जी, ये जो बाप की विरासत होती है उसमें बहनों का कोई भी नहीं हिस्सा होता, हिस्सा तो है लेकिन कोई बहन मांग ले तो उसके पाकिस्तानी माशरा नहीं देता, पाकिस्तानी माशरा जो है ना वो नहीं देता कि ये हमने बहन, जो बहन हिस्सा मांगेगी हमने, वो हमारी बहन नहीं है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह मियाँ ने बहन को हिस्सा दिया है, वो आपकी बाप की विरासत की हकदार है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि ये जो छोटी बच्चियों से रेप होते हैं, खुदा रा तरस खाओ तरस खाओ, उनको माफ़ कर दो माफ़ कर दो, ये छोटी छोटी कलियाँ हैं, क्यों इनको मसलते हो, क्यों इनको मसलते हो, इनको माफ़ कर दो, इनके लिए कोई कानून होने चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो घरेलू झगड़ों में ख़वातीन को कत्ल करता है, बाप भाई खावंद बेटा कोई भी कत्ल करता है तो वो ये कहता है मैंने गैरत में आके मारी, मैंने गैरत में आके कत्ल किया। ये कोई आज तक मैं ये कहती हूँ कि औरत ही गैरत के नाम पे कत्ल होती है, औरत ही कसूरवार समझी जाती है, चाहे वो बेचारी खाने के लिए मांग रही हो, घरेलू झगड़े में उसको कत्ल करते हैं और कहते हैं अदालतों में जाके कि हमने इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया है। क्या सारी औरतें ख़राब हैं? प्लीज़ प्लीज़ खुदारा पाकिस्तानी औरत को इज़्ज़त दें, उसको उसका हक दें, माँ के बहन है, बेटी है, माँ है, जिस रूप में भी है आप बेटी को इज़्ज़त दें। और जैसा कि आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जीने का हक दिलवाया था,
मैं यही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन गंदी रस्म व रवाज, ये जो हिंदुओं वाली रस्म रवाज है ना, उनसे आप लोग जो है ना इनको छोड़ दें, और जो हमारे मज़हब में है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। औरत को अल्लाह मियाँ ने बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। प्लीज़ आप इसको हवस की नज़र से मत देखें, इसको माँ और बहन की इज्जत से भी देख लें। बाकी सालों की तरह भी आज ख़वातीन जो हैं पूरे मुल्क में बड़े जोश व खरोश से 8 मार्च का दिन मना रही हैं, और इस जज्बे के साथ मना रही हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन बहुत दूर जाना है, और अपनी सॉलिडेरिटी शो करने के लिए हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी हिम्मतें बढ़ती रहेंगी और औरतों के हक़ूक़ के लिए हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो मैम, उन औरतों के लिए क्या कहेंगी कि जिन पर जुल्म होता रहता है लेकिन वो सहती हैं, बाहर नहीं निकलती? देखिए, जब आवाज़ उठेगी तो जो जुल्म सह रही हैं और जानती हैं कि ये जुल्म है, वो भी साथ आएंगी और उनकी हिम्मतें भी बढ़ेंगी। तो मैम, मर्दों को कैसे एजुकेट किया जाए? क्या सिलेबस में कोई तरमीम की जाए, या फिर कोई मर्दों के लिए भी डे मनाया जाए जिसमें उन्हें बताया जाए कि औरत के ये हकूक हैं, उसे ये हकूक दो? मेरे ख्याल में 8 मार्च के इन इज्तमात से बहुत से माशरे के लोग, जिनमें मर्द भी शामिल हैं, ज़रूर इंस्पायर होते रहेंगे। और वक्त बदला है और सोच बदली भी है, लेकिन बहुत आगे बदलनी भी है। तो आपकी बात दुरुस्त है, मेरा ख्याल है कि मर्दों के हवाले से भी हमें उनके साथ इंगेज करना चाहिए और ये बात आम करनी चाहिए कि ख़वातीन के हकूक इंसानी हकूक हैं, और अगर आप इनसे पीछे हटेंगे और इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर आप इंसानी हकूक में भी बिलीव नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है आलमी यौम ख़वातीन को मनाना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर चूँकि पाकिस्तान में जो ख़वातीन पर तशद्दुद या बच्चियों के साथ जो नाइंसाफ़ी और एक सिस्टमेटिक एक नाइंसाफ़ी आपको नज़र आती है, उसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ ये दिन मनाया जाए बल्कि ये एक तरह से एक ईफ़ाए अहद हो आज के दिन कि हमें इन तमाम मसाइल को दूर करना है और सिन्फ़ी बराबरी के लिए पाकिस्तान में न सिर्फ कोशिश करनी है बल्कि बाकायदा कानून साजी और कानून साजी के साथ साथ उन कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। तो क्या कहेंगी कि जो औरतों को हकूक नहीं दिए जाते पाकिस्तान में? इमरान खान साहब ने तकरीर की थी कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है इसकी वजह से औरतों को वो हकूक नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए थे, हमारा जो सिलेबस है उसमें औरत के लिए कोई चीज़ शामिल नहीं है, इस वजह से औरत के हकूक जो हैं वो मर्दों तक नहीं हम डिलीवर कर पाते, इस वजह से हकूक नहीं मिलते। तो क्या एक साल उस तकरीर को होने को आए हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने इस वाले से कुछ किया है, कुछ तरमीम की है कानून में? मेरा नहीं ये ख्याल कि एक साल में औरतों के हकूक़ के हवाले से कोई भी मुस्बत काम जो है वो हुआ हो, मगर ये है कि ये एक प्रोसेस है, क्योंकि जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो बहुत फर्मली इंट्रेंच्ड हैं पाकिस्तान में, और हमें काम करना है, मेहनत करनी है ताकि ये जो रवैया है ये बदले कि औरत जो है वो इंसान नहीं है। तो अभी तो हम ये फाइट कर रहे हैं कि विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, तो ये जो आई वॉश किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं जो पॉलिटिशियंस देते हैं कि ये हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, मैं ये नहीं समझती। 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और 30 साल में हम बहुत हमारी सक्सेसेस भी हैं, हम बहुत ज़्यादा आगे भी आए हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं अब वो बन गए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है लीगली फॉर विमेन, और इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करते रहेंगे। वुमन डे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हम सब के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, किसी मज़हब, किसी फ़िरक़े, किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, हम सब के सब एक हैं। ये दिन पैगाम है हम सब के लिए कि हम सब ने मिल के काम करना है, इस मुल्क से नाइंसाफ़ी का खात्मा करना है, हम सबको खुशहाली चाहिए। हम में से बहुत सी ख़वातीन या बहुत से लोग जो होंगे शायद वो उस तरह से पिसे हुए नहीं हैं, लेकिन हर वो शख्स जो तकलीफ़ में है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और हम अपना पैगाम इसी तरह फैलाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि उनको चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, उनको ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो इस मार्च डे जो आज 8 डे है इसको वो बेहद के तौर पर मनाए। मेरे साथ यहाँ पे जामिया हफ्जा की प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि औरतों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि औरतों का आलमी दिन मनाया जाना चाहिए, इस्लाम अगरचे इसकी इजाज़त नहीं देता,
लेकिन बात यह है कि जिस तरीके पे मनाया जाता है, जिस तरीके से इस दिन को नाम लेकर औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमें पितरशाही ना मंजूर, हमें बाप बेटा भाई ना मंजूर, ये नहीं मंजूर, वो नहीं मंजूर, मुझे मेरा घर खाना गर्म नहीं करना, मैंने मोजे नहीं ढूंढने, मैंने ये नहीं करना, ये चीज़ गलत है। वरना ज़ाहिर सी बात है कि हम भी ख़वातीन हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों से भी मुतमईन हैं, बेटों से भी मुतमईन हैं और शोहरों से भी मुतमईन हैं, बाकी रिश्तेदारों से भी मुतमईन हैं। हमारे भाई बेटे शोहर ख़ानदान वाले हमारी इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की अक्सरियत बच्चियाँ और ख़वातीन ऐसी हैं जिनका एहतराम किया जाता है। हाँ, हर माशरे में कुछ बुरे लोग होते हैं जो हर माशरे का एक लाजमी हिस्सा हैं, मगरिब में भी ऐसे लोग हैं जिनका जुल्म सितम सामने आता रहता है, तो यहाँ पर भी हैं। उन लोगों को कहना चाहिए कि जी आप ठीक हो जाएं, औरत का एहतराम करें, लेकिन औरत का नाम लेके ऐसे अखलाक बाख्ता नारे लगाना, मैं क्यों बच्चे पैदा करूँ, मैं ये निकाह क्यों करूँ, भाई आप निकाह नहीं करना चाहती, आपकी मर्ज़ी, आप हराम करना चाहती हैं आप हराम करें, लेकिन इस तरह अलल ऐलान उसकी तशरीह करना और उसको तरवीज देना, ये हम इजाज़त नहीं देंगे। हम इस्लाम को तरवीज देने वाले लोग हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, अलुलमा वरासतुल अंबिया, इस्लाम की सबसे अच्छी तशरीह हम ही कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। तो हमें तो पता है कि निकाह में इज्जत है, और एक औरत के चार शोहर हों उसमें नसब ही ख़त्म हो जाएगा, औलाद का नसब क्या रहेगा। और फिर अगर आप ये कहती हैं कि जी मुझे इजाज़त होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड हो, इसमें कोई ऐब नहीं है, तो इसमें ऐब है। बांदी में एक मुअज्ज़ज़ औरत में फ़र्क होता है, जैसे मलका एलिज़ाबेथ है उससे कोई शख्स भी हाथ नहीं मिला सकता उसकी मर्ज़ी के बगैर, इस्लाम की हर औरत मलका एलिज़ाबेथ है, उससे भी गैर महरम को हाथ मिलाने की और इकट्ठे बैठने की उसको इजाज़त नहीं है उसके जिस्म से लुत्फानंदोज़ होने के अलावा उसके जिसके वो निकाह में है। तो आप क्या कहेंगी उन औरतों के हवाले से जिन पर ज़ुल्म सितम होता है लेकिन वो खामोश रहती हैं? उनको खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और हमारे पास तो बहुत सारी आती हैं और हम उनके मदद करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, उनके ख़ानदान के लिए जिरगे बुलाते हैं। बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं जो तलाक लेना चाह रही होती हैं, तो हम तो कभी उन्हें ये नहीं कहते कि अच्छा आप तलाक ना लें, हम उन्हें कहते हैं ठीक है जी आएँ बैठें, हम आपका मसला हल करते हैं, जिरगा बुलाते हैं, दोनों तरफ के ख़ानदान के बड़ों को बिठाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, आखिर अगर सुलह सफाई की सूरत बनती है तो भी सबके सामने, और अगर तलाक की सूरत बनती है तो भी सबके सामने। आज हमने औरतों के आलमी दिन के हवाले से बात की और आपने देखा कि हर तरह की औरत से हमने बात की, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ हो, हर तरह की औरत से बात की, लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान में औरत को वो हकूक हासिल नहीं है कि जो हासिल होने चाहिए थे। हमने मर्दों से भी बात की, मर्दों का कहना था कि पाकिस्तानी माशरे में औरतों को जो हकूक देने चाहिए वो नहीं मिलते क्योंकि हमारी एजुकेशन में वो चीज़ नहीं है कि जो होनी चाहिए थी। औरतों के हवाले से हमें नहीं बताया जाता कि माँ के क्या हकूक है, बेटी के क्या हकूक हैं, एक बीवी के क्या हकूक हैं और बहन के क्या हकूक हैं। हमारे सिलेबस में चीज़ें शामिल होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारी जो बहन है उसके क्या हकूक हैं और माँ के क्या हकूक हैं। और आपने हर तरह की औरत से बात की जिसमें जो थी गरीब औरत भी थी, मिडिल क्लास भी थी और अमीर भी थी। आपको पता था कि हर औरत का एक ही मसला था कि उसे जो हकूक हैं वो उस तरह के हासिल नहीं हैं जिस तरह हासिल होने चाहिए थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आयशा बुखारी को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।